वॉचिंग वॉइस इट विद केटीएन न्यूज़ आउं है लैला निसार नाज़रीन अमां सभिनी पाकिस्तानिन खे अॼु पाकिस्तान जो 75 योम आज़ादी आज़ादीअ जो ॾींहुं तमामु घणो मुबारक हुजे अॼु सॼो ॾींहुं अमां ॾिठो त सेलिब्रेशन्स रहियूं ऐं उन खां अलावा अॼु असीं ख़ुसूसी प्रोग्राम जेको आहे आज़ादी जे हवाले सां बि डिस्कशन थींदो त पंहिंजी आज़ादी खे फॉर ग्रांटेड न वठणु खपे ऐं उन खां अलावा अॼु असीं पंहिंजे प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं ज़रूरु असीं शामिलु कंदासीं उन्हनि अज़ीम लीडर्स जी ऐं उन्हनि जी क़ुर्बानीनि जी त असीं ॻाल्हि कंदा ई कंदासीं पर उन खां अलावा असीं अॼु इहो बि डिस्कस कंदासीं त अॼु जा जेके लीडर्स आहिनि छा उन्हनि में उहे लीडरशिप क्वालिटीज़ आहिनि जेके माज़ी में असांजे लीडर्स जूं रहियूं आहिनि जीअं माज़ी में असांजा लीडर्स जिदोजहद कंदा आया पंहिंजे वतन खे हासिलु करण लाइ या हिकु आज़ादु सरज़मीन हासिलु करण जे लाइ सो उन हवाले सां बि असीं ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त अॼु जे लीडर्स में उहे लीडरशिप क्वालिटीज़ आहिनि या न उन खां अलावा अॼु असीं इहो बि जेको आहे पाकिस्तान जो मौजूदा स्टेटस ॾिसंदासीं त पाकिस्तान किथे बीठो आहे असीं फॉरन टर्म्स जे हवाले सां बि ॻाल्हाईंदासीं त पाकिस्तान पंहिंजूं फॉरन रिलेशन्स खे केतिरो अॻिते खणी आयो आहे असांजो करंट फॉरन मिनिस्टर अॼु असां सां कुझु जेको आहे गुणा सफ़ीर गॾु हूंदा ऐं उन्हनि खां असीं एनालिसिस वठंदासीं त फॉरन पॉलिसी पाकिस्तान जी खे हू कीअं ॾिसनि पिया ऐं गॾोगॾु जीअं आऊं शुरूआति में ई ॻाल्हि कई त असांखे पंहिंजी आज़ादी खे फॉर ग्रांटेड न वठणु खपे शुक्र अदा करणु खपे अला साईं जो त अला साईं असांखे हिकु आज़ादु सरज़मीन ॾिनी ऐं उन सां गॾोगॾु असीं ॾिसूं त हिन वक़्तु कुझु अहिड़ा ख़िता आहिनि जेके अॼु जे जदीद दौर में बि उहे पावरफुल ख़िता हुजनि था पंहिंजे आज़ादीअ जे लाइ जिदोजहद कनि था पंहिंजे फ्रीडम जे लाइ तमामु घणी स्ट्रगल कनि पिया सो तव्हां इन मां अंदाज़ो लॻाए था सघो त हीअ असांखे आज़ादी हिकु वॾी नेमत आहे सो जेकर असीं उन्हनि जी उन्हनि कॉन्फ्लिक्ट्स जी बि प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदा हलंदासीं त उन्हनि कॉन्फ्लिक्ट्स जो समूरी दुनिया ते हिन वक़्तु कहिड़ो असरु पइजे पियो जेको आहे मां तव्हांखे ॿुधाईंदी थी हलां त मां कहिड़नि कॉन्फ्लिक्ट्स जी ॻाल्हि करे रही आहियां लास्ट टाइम बि असां जेको आहे हिकु पैनलिस्ट जेको असांजे हाणे बि पैनल में मौजूदु आहे गॾु हुयो उन टाइम बि साॻियो ई कॉन्फ्लिक्ट हले पियो साॻियो ई बुहरान हुयो ऐं इसराइल ऐं फलस्तीन जी ॻाल्हि करे रही आहियां साल थी चुको आहे ऐं वरी टिनि ॾींहनि ताईं तव्हां ॾिठो त कीअं बमबारी उते हली जंहिंजे नतीजे में ॿारा बि शहीद थिया औरतूं हुजनि या जेके बि उतां जा सिटीज़न्स हुया उन सां गॾोगॾु असीं ॻाल्हि कंदासीं चाइना ऐं ताइवान में जेके टेंशन्स वधी रहिया आहिनि उनखे बि असीं शामिल गुफ़्तगु कंदासीं त हू हिकु पावरफुल ख़िता आहिनि पर हू उनखां उन बावजूद बि पंहिंजे फ्रीडम जे लाइ स्ट्रगल करे रहिया आहिनि सो बहरहाल प्रोग्राम जो जेको आहे मां तव्हां सां पैनल जो जेको आहे तारुफ़ कराईंदी हलां पई वेरी क्रेडिबल पैनल हैज़ जॉइंड मी अच्छा जी मूंखे वीडियो लिंक जे ज़रिए जॉइन कयो आहे अंज़ा साक़िब आख़ूंद एडवाइज़र आहिनि वन ऑफ द थिंक टैंक्स ऑन इंटरनेशनल पब्लिक एंड पॉलिसी न्यूज़ एनालिस्ट आहिनि इंटरनेशनल मीडिया ते तमामु घणो एक्टिव रहनि थियूं सो वेलकम टू द शो अंज़ा थैंक यू फॉर जॉइनिंग ऐं उन खां अलावा मूंखे जॉइन कयो आहे जी आर बलोच साहब के तारुफ़ जा मोहताज न आहिनि फॉर्मर एम्बेसडर आहिनि कॉलमिस्ट आहिनि तमामु ज़बरदस्त आर्टिकल्स बि लिखंदा रहिया आहिनि अस्सलाम वालेकुम जी आर साहब तव्हांखे बि आउं ख़ुशामदीद चवां पई प्रोग्राम में थैंक यू सो मच ऐं टे तरफ़ अगेन डॉक्टर जमील ख़ान बि कंहिं तारुफ़ जा मोहताज न आहिनि वेरी क्रेडिबल फॉर्मर एम्बेसडर एंड न्यूज़ एनालिस्ट वेलकम टू द शो सर थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम आउट सो ॿिया बि असांखे कुझु महिमान स्टूडियो में जॉइन कंदा थोरी देरि खां पोइ इन्हनि जो बि तव्हां सां तारुफ़ कराईंदी हलंदासीं सो बहरहाल इन्हनि खां असीं शुरू कयूं पिया महिमाननि खां पंहिंजी आज़ादी जे हवाले सां त 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस जेके असीं चऊं था जीअं मां प्रोग्राम जी शुरूआति में बि ॻाल्हि कई त लेट्स स्टार्ट विद सम ऑफ द क्वालिटीज़ ऑफ द लीडर्स उन्हनि सां थोरी शुरूआति करे था वठूं पंहिंजे पैनल मां सो तव्हां सभिनी जी इजाज़त खां शुरूआति जी आर बलोच साहब खां करणु चाहींदसि जी आर साहब अॼु जा लीडर्स तव्हां कीअं ॾिसो पिया पहिरियों त 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस जे करे तव्हां कुझु कॉमेंट करणु चाहियो त ज़रूरु कजो पर आउं चाहियां पई त अॼु जी लीडरशिप ते तव्हां उनखे फोकस रखो त छा अॼु जा लीडर्स काल्हो के लीडर्स जो रिफ्लेक्शन आहे डू दे हैव दोस क्वालिटीज़ और नॉट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सभु पहिरियां त मां पंहिंजे तमामु हम वतन खे पाकिस्तान ऐं पाकिस्तान खां ॿाहिरि जेके आहिनि उन्हनि खे तमामु घणी मुबारक ॾियणु चाहियां थो 75 साल थी विया पाकिस्तान जा ऐं 75 साल तमामु वॾो अरसो हूंदो आहे मथे वधण लाइ कुझु करण जे लाइ पंहिंजो नालो कमाइण जे लाइ ऐं पाकिस्तान अलहमदिल्ला काफ़ी सारे फील्ड्स में अॻिते वधियो आहे लेकिन ज़ाहिर आहे मुंहिंजो हिकिड़ो मां हींअर रिसेंटली कंहिंसां ॻाल्हायो पियो बल्कि पंहिंजे पुट सां ॻाल्हायो मुंहिंजो दिस वर्ल्ड इज़ एंड विल ऑलवेज बी ए वर्क इन प्रोग्रेस इट विल नेवर बी फिनिश्ड त साॻी तरह सां जेके मुल्क आहिनि उहे बि ईअं हूंदा आहिनि ऐं तव्हां तमामु हिकिड़े बहितरीन थीम ते जी निशानदही कई आहे त असांखे आज़ादी ते नज़र विझणु घुरिजे लीडरशिप जे प्रिज़्म खां इनडीड जेकॾहिं ॾिठो वञे आज़ादी खे या आज़ादी जी जेका असांजी स्ट्रगल हुई मुसलमाननि जी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट उन में जेकॾहिं को
सेंट्रल थीम आहे हिकड़ो एडो डियो जे यो सजो मुनव्वर कयो आजादी जो जी रोशनी फैलाई असन जे लाए इन सब कॉन्टिनेंट मुसलमानन जे लाए तो मुझो यो ख्याल आहे तो ओ ओहे लीडर हुआ असन जा जे में असन उनन लीडर्स के कोथा बिसारे सकू जे में सर सैयद अहमद खान आहे मौलाना शौकत अली जौहर आहे मौलाना मोहम्मद अली जौहर जौहर कायद आजम अलामा इकबाल आहे पर सब का अहम जो लीडरशिप रोल जो अदा कयो आहे मौलाना कायद आजम अहमद अली जना उहो जो आहे सो वाइटल आहे सब ठीक आहे जी आर साहब आप क्विकली तमाम सबनी जा जो आहे एनालिसिस इन हवाले से शामिल करण चाहिया पी डॉक्टर जमील असा सा थोड़े टाइम जे लाए शामिल हुंदा जो आहे असा स्टूडियो में भी बियो मेहमान मौजूद आहे आलम बिरोही साहब पाण भी कें तारफ़ जहाँ मोहताज हैं आलम साहब वेलकम टू द शो तुम कुछ डी आर्टिकल पढ़ी रही हुई तमाम इंटरेस्टिंग हो उनकी आखिरी लाइन प्रोग्राम में आऊँ जरूर शामिल कंदस सो डॉक्टर जमील अवां की तरफ आऊँ अचान चाहें पी अवां कॉमेंट कर वो हाउ डू यू सी द 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस 75 साल आज़ादी जहाँ अवां क्या पाया दिसो आज़ादी अनमोल शै असां के फ़ख्र थियणु खपे त जिन जे जहिड़ी क़ौमूं आज़ाद न आहिनि ॾिसो फ़लस्तीन जो जेको मामिलो आहे ऐं मूंसां जहिड़े मुल अक़वामी मुतहदा में फ़लस्तीनी कमु कंदा हुआ त उन्हनि खे इहो ई ॾुख ऐं सूर हूंदो त उन्हनि जेको वतन आहे ऐं वतन हुअणु इहो बज़ात पाण हिन में हिकिड़ी तमामु भरोसे कॉन्फिडेंस वारी ॻाल्हि हूंदी आहे ऐं इहो वतन जेको हासिलु कयो वियो तव्हां लीडरशिप जी ॻाल्हि कयो पिया जे उन वक़्त जी लीडरशिप सिंसियर न हुजे हा जे उन वक़्त जी लीडरशिप बेलॉस न हुजे हा जे उन वक़्त जी लीडरशिप डायनामिज़म उन में न हुजे हा जे उन वक़्त जी लीडरशिप जेके आहे उहो हिकिड़ो पंहिंजो विजन ऐं पंहिंजो मक़सदु साम्हूं रखी न हलनि हा त अॼु असां हिन सरज़मीन ते आज़ादी न पिया मञाए सघूं ऐं असां इन सरज़मीन ते कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जे मुताबिक आर्टिकल 17, 18, 19 ह्यूमन राइट्स इन ते असां इहे मज़ा न पिया करे सघूं रहियो सवाल त 75 सालनि में असांजी प्रोग्रेस जेका थियणु खपे हा उहा प्रोग्रेस छा थी आहे न उन में असां शॉर्टेज आहियूं उन में असां थोरो एतिरी महिनत कई आहे असांजा लीडर्स जेके आहिनि ऐं असां सभु असांजी जनरेशन असां वी आर टू बी ब्लेम फॉर दैट हाणे रहियो सवाल त हिकिड़ी तारीख़ त सभिनीनि खे ख़बर आहे त 1885 में कीअं इंडिया कांग्रेस इस्टेब्लिश थी इहे सभिनीनि खे ख़बर आहे त कांग्रेस जेके आहे उन्हनि कीअं मुस्लमाननि रियलाइज़ कयो त कांग्रेस सां रही असांजो इंट्रस्ट ऐं असांजो जेको आहे फ़ाइदो न पहुचंदो उहा साबिती मिली वई असांखे जेॾी महिल 1937 में इलेक्शन थिया ऐं जेॾी महिल पावर आई कांग्रेस वटि त उन्हनि ॾिठो त मुस्लमाननि पोइ उन वक़्तु उन्हनि खे ॻाल्हि पधरी थी त हाणे असांजो गुज़र बसर न आहे छो जे असांखे जेके सहूलतूं आहिनि नथी मिलनि एम्प्लॉयमेंट असांखे नथी मिले लैंग्वेज चेंज करे छॾी आर्टिकल मां कुझु ॾींहं अॻु में पढ़ी रही हुयसि उनमें जंहिंजो टाइटल इटसेल्फ 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस आहे आख़िरी उनजी लाइन जेकी आहे ॾाढी इंट्रेस्टिंग हुई द नेशन सेलिब्रेट्स द 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस इन ऑ एंड फियर यानी ख़ौफ़ ऐं ताजुब में जेको आहे सेलिब्रेट करे पई आलम साहब छो तव्हां ख़ुशि न आहियो जेके 75 साल आज़ादी जा रहिया या पाकिस्तान जे करंट स्टेटस मां तव्हांखे मायूसी आहे एक्चुअली जेको इहो जुमिलो मां लिखियो उहो हिकिड़े ख़ासि कॉन्टेक्स्ट में लिखियो त जेको करंट सिचुएशन असां वटि आहे पोलिटिकल पोलराइज़ेशन असां वटि आहे ऐं जेका सियासी छिकताण आहे ऐं मूंखे नज़र नथो अचे त असांजा सियासी लीडर जेके आहिनि से दे आर वाइज न त पाण सां गॾिजी वेही करे इन जी जेको आहे उन पोलिटिकल जेको चिकताण आहे इनखे ख़तमु करण जी कोशिशि कनि ऐं इन जे करे जेको आहे सो मां उहो बि लिखियो हुन में त इहो जेको प्रेज़ेंट पोलिटिकल पोलराइज़ेशन आहे जेको असां वटि इहो 1971 वारे क्राइसिस खां वधीक
घट खतरनाक कोने यो जो आदो 99 को घट खतरनाक कोने यो 1977 को घट खतरनाक कोने सो इन एटनी मौके थे जो आदो जो पॉलिटिकल स्थान में बधिक शिद्दत अचे गई बताने मुल्क में जो आदो एक अपहीवल अचे 99 में जो आदो वो लास्ट की इलेक्टेड गवर्नमेंट आम नवाज शरीफ फोन को बाद वरी 11 साल प्रेसिडेंट मुशरफ से वक्त गुजारे हो जैसे अस ना चाहूँ तो डेमोक्रेसी हो या ऑटोक्रेसी हो या चाह हो अड़े नमूने 77 में जो पोलिटिकल आलम साहब सियासी छिकताण से असि गाल कंदासे असा बो गेस्ट मौजूद हैं असा के ताजी आवाज़ में कुछ एरर नजर अच्छे उनके फिक्स कर वटूँ जैसे बे गेस्ट की तरफ व्यूं पा अंजा कमिंग टूवर्ड्स यू आप एक एनालिस्ट हैं इंटरनेशनल मीडिया पे भी एक्टिव रहती हैं मुख्तलिफ कॉन्फ्लिक्ट्स के हवाले से पहले तो आपको एक लिए कमेंट कर लीजिएगा 75 इयर्स जो हमारी ये इंडिपेंडेंस के साल गुजरे हैं आज़ादी और हमने आज़ाद सरजमीन हासिल की है आप इसको किस तरह से देखती हैं और आज पाकिस्तान जिस स्टेटस में है हेल्थ के हवाले से एजुकेशन के हवाले से या फॉरेन पॉलिसी की बात करें उस हवाले से आप इसको किस तरह से देखती हैं आर यू सेटिस्फाइड बीइंग अ सिटीजन या एज एन एनालिस्ट आप इस पर क्या अपना एनालिसिस प्रेजेंट करेंगी थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग मी पहली बात मैं करूंगी एज अ डॉटर ऑफ पाकिस्तान एज अ डॉटर ऑफ सिंध आई एम यू नो वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि आज हमें 75 साल हो गए आज़ादी हासिल किए हुए और हम में से कोई फील भी नहीं कर सकता कि वो क्या कैफियत होगी आज से 75 साल पहले की मुसलमानों की पाकिस्तानियों की क्योंकि मेरे फैमिली ने भी बड़ी स्ट्रगल की है इस धरती को जिसको हम माँ कहते हैं उसको ये रुतबा देने की बहुत ज़्यादा हमें फील होता है कि अगर आप अगर कहीं बाहर मुल्क रहते हैं ना मुझे अपने वतन की अपनी सिंध की रोटी बहुत याद आती थी पूरे पाकिस्तान की जब मैं बाहर पढ़ रही थी हाउएवर हैविंग सेड दैट 75 साल हमें गुजर गए बट माइंड मी फॉर बीइंग द डेविल्स एडवोकेट हियर लेकिन हमको दुनिया के साथ अगर शाना बशाना चलना है सर ने आपने भी मेंशन किया इज रिटन अबाउट फियर एज वेल हमारे मुल्क का नौजवान वो शायद शाहीन नहीं बन सका है जो अलामा इकबाल ने ख्वाब देखा था या कायदे आजम ने जिस यूथ की बात की थी अबाउट प्लोरलिज्म अबाउट यू आर फ्री टू गो टू योर चर्चेज यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क हमारे यहाँ अभी भी माइनॉरिटीज़ के साथ जुल्म होता है हम आइडल्स अपने देखते हैं फातिमा जिना साहिबा को आइडलाइज करते हैं एज ख़वातीन हम यू नो जहाँ जिस तौर पे मुझे फ़ख्र होता है कि मैं उस खत्ते से हूँ कि मैंने वाइट हाउस में भी ये बोला कि डेमोक्रेसी की बात करता है अमेरिका लेकिन एक इलेक्टेड औरत एज प्राइम मिनिस्टर एक दफ़ा हमारे मुल्क से निकली थी मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो लेकिन वहाँ पे मुझे इस बात में भी मेरा दिल दुखता है कि अब भी हमारे मुल्क में बेटियाँ शहीद की जाती हैं बार बार अभी भी हमारे मुल्क में एक रिग्रेट है कि खवातीन को तालीम में असर नहीं की जाती इक्विटी नहीं मिलती हमारा यूथ गुमराह हो रहा है हम जहाँ पूरी दुनिया बात करती है हबल टेलीस्कोप की अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अबाउट इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हम अभी तक वही अपने मसले मसाइल की बात कर रहे हैं चांद दिख रहे हैं डिससैटिस्फाइड एंड डिसअपॉइंटेड अच्छा डॉक्टर जमील तवां जी तरफ अचन चाहिया पई टाइम यकीनन तवां वट थोड़ो आए डॉक्टर जमील तवां फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान जी की दिसो पया पाकिस्तान की है पेंजे पड़ोसी मुल्कन सा जेको है पेंजे पाड़ेसरी मुल्कन सा की तवां के डील कंदे नजर अचे पयो या करंट फॉरेन मिनिस्टर्स जो जेके पॉलिसीज आहन छा वो स्मार्टली प्ले कन पया इंटरनेशनल लेवल ते फॉरेन पॉलिसी के तसलसल हो हुआ आई फॉरेन पॉलिसी तसलसल हो हुआ पॉलिटिकल लीडरशिप में आई चाहता हूं कि जेका फॉरेन पॉलिसी आ हुआ सबसेट ऑफ पॉलिटिकल पॉलिसी या पॉलिटिकल जेके लीडरशिप पॉलिसी नहीं दिया तो उन लिहाज से जेके पॉलिटिकल लीडरशिप जितनी मजबूत होंगी जितरो घरो मामलो मजबूत हों दो मुल्क में एतरी ताजी फॉरेन पॉलिसी मजबूत की दी सके जै मुल्क में असा 267 बिलियन डॉलर इंटरनल एंड एक्सटर्नल डॉलर्स जा मकरूज हो जाऊं माना 131 बिलियन डॉलर एक्सटर्नल एंड बाकी इंटरनल डॉलर ते आईएमएफ जो चाहे को जाहिर है वो असा का मंजराए थो पियो आई उन जो बोझ हर आम मानो ते पवे थो पियो तो उन मामले में असा जी जेका खुद मुख्तारी जेका है उन ते असर पवंदो आई फॉरेन पॉलिसी ते असर पवंदो रहियो सवाल त ये जो को पढ़े ही वजीर आ सा जो फॉरेन मिनिस्टर आ वो किए तो करे जहरा उन के एकड़े वर्षे में भी गाल मिली आ
उनकी माँ सही शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो दुनिया कबूल कंदी कबूल कंदी एज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टेट्स पर्सन ऑफ द कंट्री एंड वर्ल्ड में रिप्रेजेंट कंदी असांखे उन खां अलावा पीपल्स पार्टी बियन पार्टीज के मुकाबले में उड़े ही मामला हिस्टोरिकली गाल तो क्या पो उनके समझण में उनके सहूलत आ पीपल्स पार्टी दौर में जो वही वी ट्रीटियों थी उसे साहब के जमाने में थी शिमला मुआदे सूद तो उन लिहाज से दिखो वे तो जी इन वक्त अस सराउंडिंग सर्कमस्टांसिस जी अस प्रेवलेंट सिचुएशन उनमें जो उन स्पेस आ कम कर मामले में तो इट्स ही इज डूइंग ऑल राइट whether he could do it better yes he could do it better whether he could be supported by the supporting team better yes he could be supported by the supporting team I particularly jekar assi gal kayu dr jameel ta zahira pakistan ta azad thi vayo par kuch ehda masla be rehji vaya je jo hal hin waqt tai pakistan talash kare rahyo ahe jade assi kashmir ji gal kandayu kashmir ji azadi ji gal kandayu ta we don't see any remedy or solution for that ta unate thodo ama galay jo ta ji hane india ek tamam भयानक स्टेटमेंट जारी कर 14 अगस्त के उन पार्टिशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे जो है नालो दई छो है जैसे नतीजे में फॉरन ऑफिस जी पाकिस्तान की है उन्होंने गाल के कंडेम भी कर हाउ डू सी जी पाकिस्तान जो रिलेशंस पैं पाड़ेसरी मुल्क से बेहतर होजन की अहमियत भी थोड़ा बयान कर वो पाकिस्तान डील कर रो है उन उन मूजिब अस पाड़ेसरी मुल्क सा सुठा तालुकात रखने या ख्वाहिशमंद हुआस दुनिया में मुस्लिम ममालिक खास प्रायोरिटी दिनी जना फॉरन पॉलिसी के लिहाज से पर इतने हाँ इन मामले में मूँ करें जड़ी मल मोदी रिजीम RSS पैक्ट रिजीम अची वे उनमें उनके एजेंडा के टो कदे कश्मीर जो हालत करे छी जिका हालत अस सोचे भी न पिया सकूं यानी 5 अगस्त 1999 में उन्होंने हरकत कई आर्टिकल 370 and 35 के अपग्रेड करे दुनिया जा इंटरनेशनल कानून की धज्जियों उठाई छी आई इंटरनेशनल कानून पर ता जो सवाल यो थे तो ता जे नागरिक लाए तो अस छा कियो से उनते मा 30 सेकंड्स में अचा तो पर मा ता के बुधाया ते जेकी अस जी अप्रोच आ कश्मीर जे पॉलिसी जे मामले में एटलीस्ट उनमें बेहतरी होन खपे हा मुसलसल असा उनमें बेहतरी ना आणे सकिया से पर इनिशियल जो पाकिस्तान भी डॉक्टर जमील सॉरी मैं इंटरफेयर पे क्या जवाब नी दो रहयो तो अगली जेकी पार्टी आए वो मसले जो हल चाहे ही न पई वो रिलेशंस इंप्रूव ही न पई करण जाय तो पाकिस्तान उन मामले में छा करे दिसो असा अगली पार्टी ते चाहेंदी ते बायलैटरल लेवल ते वो कबाए वंजन कश्मीर के वो कबाए वे आ तकरीबन ये जेके 3 साल का कब्जो कहीं बैठा है कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज करे छो वर्ल्ड सजी दुनिया खामोश बैठी आ सजी दुनिया जेके ह्यूमन राइट कमीशन जी रिपोर्ट्स जेके 100 pages व्हिच कंटेन्स एवरीथिंग व्हाट वी कैन कंसीव ऑल काइंड ऑफ एट्रोसिटीज दैट मेड बी रेप मेड बी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग मेड बी मिसिंग पर्सन मेड बी एनीथिंग you know I want to mean world is not doing anything so that means there was some work to be done OIC jo platform pa pakistan paan bhi on your missions ki 131 pages jo jo phone to share mokle wa missions ka puchho ke unhon dozier jo cha kayo ai jo kuch kayo wa ta ta panje researcher ke budhayo te kitra je ki press clippings ta ke milanda je ki asan je mission waran in hawale panjan panjan mulkan me jithe te wo tainat hain unhon cha किया का पब्लिक डिप्लोमेसी जी एक्टिविटी किया का ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी जी एक्टिविटी किया या न्यूयॉर्क में मुनीर अकरम जो था उन्हें को लीगल डिप्लोमेसी के काम किया हुआ आंसर इज नो वी हैव नॉट डन द वे वी शुड हैव डन इट ऐसा कि बहाना है ऐसा बेहतर कर सकते हैं सही ठीक है डॉक्टर जमील थैंक यू सो मच अवां का मुख्य अन्या बे मुख्तलिफ कॉन्फ्लिक्ट से वठनो हो पर जी तमाम टाइम घट है सुनाजरीन ते ब्रेक वठूं पिया डॉक्टर जमील असा गड होया बियो पैनल असा सा मौजूद है उनन सा असी इन हवाले सा तफसील गुफ्तगू कंदा से एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वठूं पिया आई ब्रेक खां पोए जेके इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हलन पया उन में पाकिस्तान जी पोजीशन किथे आए पाकिस्तान इंटरनेशनली इंटरनेशनल मसलन में पांजी पोजीशन केतरी क्लियर रखंदो अचे पयो या नुकसान जेको है पहुंची सके तो या नथो पहुंची सके सो इन हवाले सा असी ब्रेक खां पोए गाल कंदा से जी
वेलकम बैक नाज़रीन, असीं पाकिस्तान जी करंट पोजीशन जे हवाले सां गलाए रहा हुआसीं, मुख्तलिफ़ सेक्टर्स में पाकिस्तान जे रोल जे हवाले सां, ऐं उन्हीं खां अलावा जेको आहे लीडर्स जे हवाले सां बि असीं ॻाल्हाए रहिया हुआसीं, त छा कालो के लीडर्स जो को अॼु जे लीडर्स में को रिफ्लेक्शन आहे, कल जो रिफ्लेक्शन आहे उन्हनि लीडर्स जो या न, ऐं उन्हनि जी लीडरशिप क्वालिटी जे हवाले सां बि महिमाननि खां ॼाणींदासीं। सो आलम साहब, जीअं पंहिंजे आर्टिकल में हिकु आख़िरी लाइन लिखी हुई, पॉलिटिकल पोलराइजेशन के मद्देनज़र रखी करे, उतां ई आऊं आलम साहब कंटिन्यू करणु चाहींदसि, सियासी छिकताण जो मुल्क जे मसलनि में स्टेबिलिटी आणण जे हवाले सां केतिरो वॾो किरदारु हुजे थो? ॾिसो, मां पंहिंजे आर्टिकल में बि लिखियो आहे, उन में जेको आख़िर में मां लिखियो त हे जेको 75 साल आहे असांजो आज़ादी जो, जो क़ौम ख़ौफ़ में ऐं हिकिड़े यानी अनसर्टेनिटी या बेयकीनी जी हालति में थो सेलिब्रेट करे। इहो मतिलबु इहो आहे त असां वटि हिन वक़्तु करंट पोलिटिकल जेको छिकताण आहे, कंफ्रंटेशन आहे, पोलराइजेशन आहे, वेरी बैड जी। माज़ी में बि पॉलिटिकल छिकताण हुई, मां ॿुधायांव त उन जे करे त मां तॾहिं लिखियो आहे त इट इस यानी इहे एतिरो ख़तरनाक आहे जेतिरो असां वटि 71 वारो हुयो छिकताण, ऐं वरी जेको आहे 77 वारो हुयो, ऐं उन खां बाद 99 वारो हुयो। ॾिसो, तव्हां इन ट्रेनिन खे जेकॾहिं ॾिसो, जेके उन वक़्तु इवेंट्स थिया, उन्हनि जो असरु अञा ताईं असांजे जेको आहे सो पोलिटिकल लाइफ ते, असांजे मुल्क ते आहे। इन जे करे मां लिखियो त असांजो जेको प्रेज़ेंट पोलिटिकल लीडरशिप आहे, मूंखे उन्हनि में कोई विज़डम नज़र नथी अचे, दानिशमंदी नज़र नथी अचे, प्लस उन्हनि में इहा कैपेसिटी नज़र नथी अचे त हिक ॿिए सां गॾिजी वेही करे जो पोलिटिकल छिकताण आहे उनखे ख़तमु करण जी कोशिशि कनि। ऐं टियों माण्हू या टीं फोर्स काॾहों अचे हिननि जे विच में त कोन पवंदो, जो हिननि खे जेको सम्झाए त उन मां जेको आहे हमेशह पॉलिटिक्स थींदी आहे, टेक एंड गिव जे मां, उन में फ्लैक्सिबिलिटी हूंदी आहे, उन में जेको आहे सो हिक ॿिए खे टॉलरेट करण जो जेको आहे सो जज़्बो हूंदो आहे, तॾहिं सियासत हलंदी आहे। सो इन जे करे मां इहो जुमिलो लिखियो हिन में। हाणे सुवाल इहो आहे त असांजो पास्ट में ठीकु आहे, असां वटि ट्रेजिडी बि रही, असां वटि तकलीफ़ूं बि रहियूं, ऐं मुल्क जॾहिं आज़ादु थियो त उन वक़्तु जेके तकलीफ़ूं असांखे हुयूं, असां वटि छा हुयो? कुझु बि न हुयो। मां अशफाक साहब जे हिकिड़े आर्टिकल में पढ़ियो हो या मज़मून में पढ़ियो, हुननि चयो त असां जेको आहे सो पाकिस्तान आज़ादु थियणु, असां पंहिंजे दफ़्तरनि में जेको आहे सो पेपर पिन असां वटि न हूंदा, असां जेको आहे सो बबरनि जे कांटे खे इस्तेमालु कंदा हुआसीं पिन तौरु। हाणे तव्हां ॾिसो त यानी उन सिचुएशन खां हिन वक़्तु तव्हां जेकॾहिं कंपेयर कयो त पाकिस्तान वटि छा न आहे, असां वटि जेको ॾिसो न, असांजी जेका जी डी पी आहे उहो 380 बिलियन डॉलर जी थी वई आहे, असांजो पर कैपिटा इनकम जेको आहे सो इट इज़ ओवर $1500। इन खे अलावा असांजे एग्रीकल्चर जेको आहे सो डेवलप थियल आहे, जेको असांजो 27% ऑफ ओवर टोटल पॉपुलेशन 220 मिलियन पीपल जो 27% असांजो एग्रीकल्चर में थो थिए। असांजो एक्सपोर्ट तव्हां ॾिसो हिन साल त माशाला इवन कोरोना जे बावजूद बि असांजा एक्सपोर्ट जेको आहे सो दे वर टचिंग अबाउट $32 बिलियन। अहिड़े नमूने सां असां वटि जेको पाकिस्तानी आहे ॿाहिरि, उहो जेको आहे एग्ज़ैक्टली, ऐं जेको आहे सो असां वरी जेको आहे सो तवां आबादी जे लिहाज़ खां ॾिसो दुनिया जो 6 नंबर मुल्क आहे, ऐं जेकॾहिं तव्हां आर्मी जे पंहिंजे फ़ौज जे अस्करी कुवत सां ॾिसो त ऐं दुनिया जी 6 आर्मियुनि में हिकु पावरफुल आर्मी आहे पाकिस्तान जो, असां न्यूक्लियर पावर बि आहियूं, असां वटि सभु कुझु आहे, पर असां वटि लीडरशिप जी कमी आहे, इन में को शक लीडरशिप जो तमामु अहम किरदारु हुजे थो। जी आर साहब, तव्हां सां आऊं, जेके इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हलनि पिया, जेकर असीं स्पेसिफिकली चाइना ऐं ताइवान जी ॻाल्हि करे छॾियूं, पाकिस्तान पंहिंजी पोज़ीशन ॾाढी क्लियर करे छॾी आहे त हू चाइना जी वन पॉलिसी खे सपोर्ट करे पियो, पर जेकी चीन ऐं ताइवान जी 1992 वारे कंसेंसस जे बुनियाद ते जेकी छिकताण हले पई, टेंशन्स वधनि पिया, इन जो ईंदड़ वक़्त में समूरी जीअं हिकु तरफ़ असीं ॾिसूं था यूक्रेन ऐं रशिया जी वॉर बि अञा ताईं कंटिन्यू आहे, ठीकु आहे, हीअ जेके इंटरनेशनली हले पियो बुहरान काफ़ी पावरफुल खितनि पावरफुल मुल्कनि जे दरमियान हले पियो, त इन जो ईंदड़ ॾींहनि में समूरी दुनिया ते छा असरु पइजी सघे थो, ऐं इहो केतिरो ज़रूरी आहे जो असीं इन शइ जी बि ॻाल्हि कयूं, ऐं पाकिस्तान त पंहिंजी चलो पोज़ीशन हिन हवाले सां क्लियर कई आहे, पर तव्हां वधीक हिन हवाले सां छा चवणु चाहींदव? जी ॾिसो, हिन में दुनिया जेका आहे सो मुख़्तलिफ़ क्राइसिस जो शिकार आहे, ठीकु, जंहिंमें इकनॉमिक इशूज़ आहिनि जेके
पेंडेमिक कोविड का पोर शुरू किया सप्लाई चेन जा इश्यूज आए उन खा अलावा इन्फ्लेशन आए सब का अहम जो गाल एनर्जी कॉस्ट आए कम्योडिटी कॉस्ट आए जैमें जो बेसिक कम्योडिटीज आज उन्होंने सभी को असर सभी मुल्क से थे तो हाँ अज वक्त अस ओड़ी दुनिया में रहूँ पा जो टोटली दुनिया से इंटेग्रेटेड है जैसे दुनिया की कैपिटल्स ऑयल जहाँ उत जैसे ऑयल की डॉलर की कीमत बढ़े थी तो पूरी दुनिया में जो असर थे तो जैसे बीट के फी मीट्रिक टन जो थे तो उनमें पूरी दुनिया से असर थे तो लिहाजा असा पाँ पान के इंसुलेट ना कर सकूँ जो क्राइसिस चन था उनमें सब का अहम गाल है तो जो इकोनॉमिक क्राइसिस के शायद दुनिया तैयार हुई कुछ करे भी वे हाँ लेकिन सब का वही बदकिस्मती थी है दुनिया की सो आम कॉन्फ्लिक्ट जो है सो यूक्रेन में शुरू थी जो टोटली अनएक्सपेक्टेड हो जरूरत न हुई इन 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 इन्वेजन की जैमें कि अड़ा इमीडिएट न हुआ मसला जो न पे सॉल्व कर सकया अना खत्म ही न थो है उतने खून रेजी जारी है चौथा तकरीबन 3,000 का मत मू मरी चुका है तकरीबन 10-12 million पीपल हैव लेफ्ट देयर होम्स छिकताण खत्म नजर अचे पई तो इंटरनेशनल कम्युनिटीज या खास कर मुस्लिम कम्युनिटीज की गाल कयूं छा पेज से नजर अचन पयूं या इन में कश्मीर की भी गाल करे वठूं तो मुस्लिम कम्युनिटी जो रोल अवां केतरो अहम समझो पाया तो उनन के जेको आहे उहे अगिया अचण खपन मुस्लिम उम्मा या मुस्लिम कंट्रीज जो एकी ट्रेजेडी आहे एक त मुसलमान मुल्कन एकी ऑर्गेनाइजेशन त जरूर ठाई ओआईसी लेकिन उहा इतनी फाल न थी इतनी मुफीद न थी इतनी इफेक्टिव न थी जो हु दुनिया जे मामलन के असरअंदाज थी सके पॉलिसीज हैं जो इम्पैक्ट कन थी मुसलमान के मुल्क के जैमें पैलेस्टाइन सर फहरिस्त है कश्मीर सर फहरिस्त है उन अलावा बया भी जो मुल्क मसला मुसलमान मुल्क डेवलपमेंट जहाँ उनके हु रिस्पॉन्ड कर सके अनफॉर्चुनेटली इन वक्त असूँ त मुसलमान मुल्क के इशूज हैं इंटरनेशनल लेवल से उन्हें पैलेस्टाइन ऑन द टॉप है कश्मीर बे हंत है लेकिन अजा तई असज ए उम्मा एज ए ग्रुप जो है सो कोई पंजो आवाज दुनिया के न असरअंदाज कर सकया नंगो चराई नंगो मुल्क है एज ए उम्मा हम अपना आवाज जो है उस हिसाब से नहीं पहुंचा पा रहे हैं अंजा आपकी तरफ आना चाहूंगी जिया साहब अंजा जी तरफ बना पई एनालिस्ट टाइम पंजो एनालिसिस पेश कर अंजा आप क्या कहना चाहेंगी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स के हवाले से पाकिस्तान की पोजीशन कितनी कह रहे हैं या जैसे जिया साहब कह रहे हैं मैंने उनसे सवाल किया मुस्लिम कम्युनिटीज के हवाले से क्या वो एक पेच में है और अगर वो आवाज उठाएं चाहे वो इसराइल और फलस्तीन का मामला हो चाहे वो कश्मीर का मामला हो तो ये एक कितनी ताकत के हवाले से उभर के आ सकता है सबके लिए और एक आप एक्सपेक्ट नहीं करती हैं कि अगर मुस्लिम उम्मा एक पेज पर आ जाए आवाज़ उठाने लगे तो क्या कुछ बेहतरी नहीं आ सकती है एग्जैक्टली तो मैं यहाँ तीन बातों पर प्राइमरी फोकस करूंगी नंबर वन के जो नैरेटिव्स की हम बात करते हैं अगर हम देखते हैं कि इसराइल पैलेस्टाइन के मामले में भी हिस्टोरिकली दिखने में बड़ा अच्छा लगता है हम हजारों की तादाद में आर्टिकल्स पढ़ते हैं कि बायलैटरल डायलॉग हो एंड दिस एंड दैट फिर हम सीज फायर की बात सुनते हैं लेकिन जब जब कभी भी अगर आपको याद हो ओस्लो अकॉर्ड्स के टाइम पे इसहाक रबिन ने जब बात की थी अबाउट पीसफुल सेटलमेंट तब 1995 में ही गॉट असैसिनेटेड अगेन बाय रेडिकल इन इसराइल सो जब भी देखिए हमारे वी हैव टू रियलाइज कि लीडरशिप को हमेशा वो पॉपुलर नैरेटिव फॉलो करना पड़ता है जो कि मैसेज के अंदर होता है हमारे यहाँ पे एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट वी नीड टू कीप इन माइंड इज कि हम कितना स्ट्रॉन्ग काउंटर नैरेटिव बना रहे हैं फॉर एग्जांपल इवन अगर हम पाकिस्तान की कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं बिफोर एक्चुअली एडवाइजिंग अदर्स हम भी अगर लाइक ऑस्लो एंड नॉर्वे की बात करते हैं नॉर्वे डेनमार्क की बात करते हैं जैसे ही हम लीडरशिप अगर उसूलन हमें वी शुड बी टॉकिंग अबाउट बिल्डिंग रिलेशनशिप्स विद देम बट अगेन यहाँ पे कुछ हमने जमातें देखी हैं जो अगेन रेडिकलाइजेशन की तरफ जाते हैं मैं एक और बात जरूर कहूँगी कि मुसलमान उम्मा जो जिसकी हम बात करते हैं कि दे शुड बी यूनाइटेड इन दीज मैटर्स लेकिन हम अगर हिस्टोरिकली देखें कि वो कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया इजिप्ट जो कि एक पैसिफिस्ट सेटलमेंट की तरफ पहले बात करती थी
1967 के इसराइल अगर वो अपनी बाउंड्रीज को तस्लीम कर ले तो फिर यू नो देयर कैन बी सम सेटलमेंट, लेकिन वो तक अब उन्होंने भी यूएई इजिप्ट उन्होंने तस्लीम कर लिया। अब यहाँ पे मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि हमें सोशल मीडिया की पावर को इग्नोर नहीं करना चाहिए। मैंने एक इस पे पेपर भी लिखा हुआ है, आई विल शेयर दैट विद यू लेटर। 3.3 मिलियन इंस्टा ट्वीट्स हुए हैं जस्ट विद द हैशटैग फ्री पैलेस्टाइन। हम ये बात करते हैं कि शायद मीडिया पूरी दुनिया में कुछ जगहों पे उसका अपने बायसेस होते हैं, लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसी कुवत है। बात ये देखिए कि इट्स इम्पोर्टेंट टू नो कि जहाँ जहाँ फेसबुक पे बेला हदीम ने जितने भी इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज अब उस चीजों के बारे में बात कर रहे हैं और वो स्नैप डाउन कर दिए जाते हैं। जब इस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की बात गई तब भी वो पूरी दुनिया में मशहूर हुआ, लेकिन जब भी आप अब भी कोई भी आप पैलेस्टाइन के लिए बात करते हैं आपको एक कम्युनिटी गाइडलाइंस का एक मैसेज आ जाता है ऑन सोशल मीडिया। यूनाइटेड होकर आवाज उठानी पड़ेगी चाहे वो मुस्लिम उम्मा की बात हो। अच्छा, मैं आपसे चाहूंगी कि आप हमारी आज की लीडरशिप पे भी कमेंट कर दें। जैसे तमाम पैनल आज ये इस बात पे इत्तफाक कर रहा है कि लीडरशिप, अच्छी लीडरशिप होने का जो है वो होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी जो कंट्री है वो ग्रो कर सके इकोनॉमिकली भी और पॉलिटिकली भी। पॉलिटिकली यानी कि वो क्राइसिस से बचते रहें, क्योंकि जब पॉलिटिकल क्राइसिस आता है तो इंस्टेबिलिटी आती है, इंस्टेबिलिटी आती है तो इकोनॉमी पे असर पड़ता है। सो हाउ इम्पोर्टेंट इज़ द लीडरशिप for a country to grow? But more than leadership, लेकिन कहीं भी जरूरी क्या होता है कि institutions, institutions को support करना चाहिए। मैं इस्लामाबाद में या रेड जोन में बैठी हुई हूँ, मुझे पता है कि यहाँ पे बार बार हम लीडरशिप देखिए, हम पूरी दुनिया में हम क्या मैसेज सेंड आउट कर रहे हैं कि हमारी जमहूरी निज़ाम शायद इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। बार बार हम वो पार्टी वो लीडर्स जहाँ जिनसे एक्सपेक्टेशन थी कौन की एक और थी कि वो शायद डायनेस्टी पॉलिटिक्स के ऊपर नहीं जाएंगे, वो भी ऑल ऑफ फेल में बहुत तजाद है। लेकिन मैं जरूर यहाँ कहूंगी कि यूथ को चांस देना चाहिए। सो आई स्ट्रॉन्गली थिंक के पीपल लाइक बिलावल भुट्टो साहब जो के एक आजाद ख्याल पॉलिटिक्स के खिलाफ हैं आप? मैं डायनेस्टी पॉलिटिक्स के खिलाफ नहीं हूँ, बिकॉज इन आर रीजन भरपूर किरदार आए एक मुल्क के लिए ग्रो करने में। क्विकली कमेंट कजो सवा टाइम में घट आए आई अजो जे लीडर में ता जी वे क्वालिटी के लीडरशिप में या ना जी देखें सबका मेरी गलती यह है ऐसा कि सोचना पुनो गुड लीडरशिप चाहे आई एंड आई एग्री विद हर कि इट इज इंस्टीट्यूशंस व्हिच मैटर्स। आजकल जो को एकड़ो हाइप अरे पे तो charismatic leadership, I think it is, it can lead unwittingly to personality cult. असांखे इन खां बचणो आहे ऐं मूंखे जेका सियासत नज़र पई अचे हिन वक़्तु त पर्सनैलिटी कल्ट तरफ़ असां वञूं पिया था। कुझु पार्टियुनि में आहे, सभिनी तक़रीबनि पार्टियुनि में हिकिड़ो को न को पर्सनैलिटी अहिड़ी आहे जंहिंजे पोयां माण्हू विदाउट रीज़न विदाउट रैशनल थिंकिंग बणनि था। त मुंहिंजे ख़्याल सभ खां वॾो जेको मुंहिंजी नज़र में ख़तरो इहो आहे परसेप्शन जे हवाले सां त असांखे अवाम खे सुजाग करणो पवंदो त हू वोट ॾियनि त इश्यूज ते ॾियनि। मसला रियलाइज करना पवंदा, पंहिंजे वोट खे समझी करे हू ॾियनि त काफ़ी बहितरी अची सघे पई। इन में ॾिसो न तव्हां उनखे ॿिन्हिनि नुक़्तनि निगाह सां ॾिसी था सघो। हिकु त लीडरशिप, लीडरशिप जो वॾो हिकिड़ो इम्पेक्ट पए थो तव्हांजी पॉलिसीस जी इम्प्लीमेंटेशन ते। ॿी आहे त तव्हांजे मुल्क में इंस्टीट्यूशन्स मज़बूत आहिनि, जीअं ब्यूरोक्रेसी आहे उनखे चवंदा आहिनि परमनेंट गवर्नमेंट। ब्यूरोक्रेसी जेकॾहिं मज़बूत आहे उहो जेको आहे मेरिट लेवल ते हुनजी अपॉइंटमेंट थिए थी, हुनजो टेन्योर बेस्ड जेकॾहिं हुनजो जेको आहे ट्रांसफर पोस्टिंग थियनि था त यानी इहो जेको आहे हिकिड़ो लिहाज़ खां परमानेंट तव्हांजो गवर्नमेंट आहे जेको पॉलिसीज़ खे बि सम्झे थो, इम्प्लीमेंट बि करे थो, सियासतदान अचे थो ऐं वञे थो पियो हिकिड़ो टेम्पररी। इहो आहे ॿियो आहे तव्हांजे मुल्क जे म्यान कॉन्स्टिट्यूशन सवाल इहो आहे त कॉन्स्टिट्यूशन तव्हांजो आर्बिट्रेशन त करे तव्हांजे विच में हिकिड़ो क़ाइमु करे त हिन इंस्टीट्यूशन जो जुरिसडिक्शन हे आहे, हिन जो हे आहे, ब्यूरोक्रेसी जो हे आहे, मिलिट्री जो हे आहे, त सियासतदान जो हे आहे। पर सवाल इहो आहे जेकॾहिं सियासतदान कॉन्स्टिट्यूशन जे इंटरप्रिटेशन ते उनजे तशरीह ते जेकॾहिं यकजा नथा थियनि त उहो वरी कोर्ट जेको आहे ऑब्वियसली, पर असां वटि असां ॾिठो आहे
असाजे सियासी लीडर न सिर्फ़ जो है कॉन्स्टिट्यूशन के कंट्रोवर्शियल था कन बल्कि जुडिशरी के भी था कर इंटरफेयर करो पे पवे प्रोग्राम जो टाइम जो है तमाम घट है सो तमाम तमाम पैनल की मेहरबानी जी आर साहब अंजा आलम साहब थैंक्स टू यू गालू तमाम हुई टॉपिक्स इलाही हुआ पर असो टाइम तमाम घट हो नाजिन आखिर में हेल्थ के हवाले से जैसे पाकिस्तान की गाल क्यों तो 195 मुल्क में 154 मुल्क में बीठो है उनकी यह करंट पोजिशन है जेंडर पैरिटी में सिंफी हवाले से गाल क्यों तो हू 102nd लास्ट पोजिशन है उनकी पाकिस्तान की 145 नंबर से बीठो है इंसाफ के फरहमी की इंडेक्स के हवाले से गाल क्यों तो 140 मुल्क में 130 नंबर से पाकिस्तान की इंसाफ के फरहमी के इंडेक्स हवाले से पोजिशन बीठी है वर्ल्ड जस्टिस सिस्टम की रिपोर्ट तक याद होंगी सहाफती आज़ादी के हवाले से 157th पोजिशन है पाकिस्तान की अमनो अमान के हवाले से 147th पोजिशन है सो बहरहाल काफिन सेक्टर्स में पाकिस्तान के बेहतरी जो है करनी पवी बेहतर थियणो पव उन गोग यह गाल जरूर चवंदी हलंदस तीन आज़ादी के फॉर ग्रांटेड न वन खे शुक्र अदा करें तो अस एक आज़ाद जमीन ते मौजूद आयो जैसे असं पाकिस्तान चूं पाया सो आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद इन ही करें कॉन्फ्लिक्ट्स जो भी जिक्र कर अल्लाह हाफिज़।